गर्मियों का मौसम आते के साथ ही सभी महिलाओं की एक ही दिक्कत होती है कि भाई खाने में बनाए क्या, सब्जियां आ नहीं रही हैं, जो आती हैं बच्चे उसको नाक मुचड़ा कर खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ये सभी दिक्कतें भी आपके साथ हैं तो आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड परमल की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है, लाजवाब बनेगी और आपके घर वाले इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं आधा किलो परमल। इनको एक बार अच्छे से हमने साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद इसके ऊपर के छिलके को हम हटा देंगे। सभी परमल हम छील कर तैयार कर लेंगे। देखें, हमने सारे परमल अच्छे से छील लिए हैं और इनको एक बार वापिस से साफ पानी से धो लिया है और साइड के जो हमने ये किनारे है ना इसके निकाल दिए, यानी जो डंडी वाला भाग होता है उसे अलग कर लिया है। अब इन परमलों को हमें काटना है। बीच में हम इस तरीके से इसमें एक चीरा लगाएंगे। पूरा नहीं काटना है हमें, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। इस तरीके से चीरा लगाने के बाद हम हल्का सा परमल को खोलेंगे। ध्यान से खोलिएगा, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए ये परमल। और अब इस तरीके से जो पीलर है ना उसकी मदद से हम इसके अंदर जो बीज वाला भाग है ना उसे हम बाहर निकाल लेंगे। सावधानी के साथ करेंगे ताकि परमल हमारा टूटे नहीं। बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से करते हुए हम सारा जो ये परमल है उसके अंदर की जो स्टफिंग है यानी जो बीज वाला भाग है उसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी परमल को भी बीच में से चीरा लगाते हुए खाली कर लेंगे। चले, हमने सभी परमलों को खाली कर लिया है। आप ये देखें, अच्छे से सारे खाली हो गए हैं। बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। और ये जो बीज का पार्ट है इसका, ये हमने अलग से निकाल लिया है। इसे वेस्ट नहीं करना है, इसका भी हम इस्तेमाल स्टफिंग के लिए करेंगे। हम इसको किसी चॉपर में डालकर या फिर अगर चॉपर ना हो तो मिक्सर के अंदर डाल के हल्का सा बारीक कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसको बारीक कर लेना है। अब इसी के साथ देखें, मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली हैं। अब इन प्याजों को हमने बारीक काटना है। अगर आप चाहें तो चॉपर में भी इसको बारीक काट सकते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने फ्लेम पर पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कलछी भर के सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। साथ ही में डालेंगे हम आधा चम्मच सौंफ, जिसको हमने हल्का सा कूट लिया है। इसी के साथ डालेंगे हम आधा चम्मच ही कूटा हुआ साबुत धनिया। तीनों चीजों को हल्का सा हम पका लेंगे। लगभग 10 सेकंड्स के लिए इसे पकाना है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे 1/4 चम्मच कलौंजी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को हमें पकाना है जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाती। हल्की सी हमें पकानी है, बहुत ज्यादा भी हमें इसे नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मदद होगी। अब देखिए, प्याज हमारी लगभग हाफ डन हो गई है। बस इस स्टेज पर हम डाल देंगे जो परमल के बीच की स्टफिंग थी ना, हमने पहले निकाल के रख ली थी, उसे ऐड कर देंगे। ये देखिए, हल्का सा हमने इसे पीस लिया है चॉपर में। अब इसे भी डालने के बाद हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक काट के। इसी के साथ डालेंगे लगभग 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक। ये देखें, हमें अपनी प्याज को बस इस स्टेज तक पकाना था, इससे ज्यादा और नहीं पकाएंगे स्टफिंग के लिए हम। अब बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च पाउडर, या यूं कहें कि स्वाद अनुसार डालें लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर। स्वाद अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक। और साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। अब इन सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम पर ले आएंगे।
अब हम मसाले को कवर करके लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट के बाद अब हम खोल के चेक करेंगे। ये देखें, मसाला हमारा बहुत बढ़िया से पक के तैयार हो गया है। आप इसका कलर देखें कितना सुंदर आया है। बस इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इस मसाले को अब हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर बाद में हम इसकी स्टफिंग करेंगे। गरम गरम करने से हाथ जल सकता है। चलें, लगभग 15 मिनट के बाद जो मसाला है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये हमने परमल ले लिए हैं और अब हम एक चम्मच की सहायता से परमल के बीच में अपने मसाले को फिल करेंगे। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। आपको ढेर सारी रेसिपीज मिलेंगी जिसे आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखें, हमारे सारे परमल हमने मसाले के साथ अच्छे से भर लिए हैं। अब देखें, थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है। इस मसाले को हम एक अलग से कटोरी में निकाल लेंगे और बाकी बाद में हम इस्तेमाल करेंगे इसका। अब हम सेम पैन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने मसाला तैयार किया था। इसे फ्लेम पे रख दिया है हमने और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। लगभग मान के चलें 1/4 कप से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद फ्लेम को हम तेजी पे ले आएंगे और ये जो किनारों पे मसाला लगा हुआ ना थोड़ा बहुत, इसको हम छुड़ा लेंगे और पानी में ही ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इंतजार करेंगे जब इस पानी में उबाल आ जाए। चलें, पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को लो पर ले आएंगे और बस अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे परमल। एक एक करके सारे परमलों को हम पैन में लगा देंगे। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमने कच्चा पानी नहीं डाला है, बॉयल करके ले लिया है। दूसरा, जो परमल को पकने के लिए स्टीम चाहिए ना, वो इस पानी से आसानी से पक के बन जाएगी और जो हमारे परमल हैं वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। सारे परमल अरेंज करने के बाद अब हम पैन को कवर कर देंगे और कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर हम लगभग 10 मिनट के लिए परमल को पकाएंगे और फिर बाद में इसे चेक करेंगे। चलें, 10 मिनट का समय हो गया है, खोल के चेक करेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं ना, परमल हल्के से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इन परमलों को सावधानी के साथ पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर खोल के चेक करते हैं। ये देखें, इस स्टेज तक जो पानी है वो सारा इवेपोरेट हो गया है और जो हमारे परमल हैं वो आप देख रहे हैं ना, फ्राई नजर आ रहे हैं। ऐसा करने से देखें हमारे परमल टूटे भी नहीं हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, पक भी गए हैं। अब इस तरीके से पलट देंगे ताकि जो दूसरी जगह है वहां पे भी स्पॉटिंग आ जाए और हमारे परमल फ्राई हो जाए। वापिस इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब फिर खोल के चेक करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ से भी अब चेक करते हैं। ये देखें, चारों तरफ से हमारे परमल बढ़िया से पक के तैयार हो गए हैं, फ्राई नजर आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं ये। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला जो हमारे पास पहले बच गया था ना, उसको भी हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और बस इसी के साथ तैयार है हमारे गर्मा गर्म स्टफ्ड परमल। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, लेकिन इससे मुझे बहुत मदद होगी। थैंक यू।